ये है कांद या सूरन जिसको कहते हैं। हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ कांद का भरता या चोखा बनाने। इसके लिए हमने कांद उबाल लिया है। उबालने के बाद रख दिया इसको ठंडा होने के लिए। अभी ठंडा हो रहा है। इसमें उबालने से पहले नमक, खटाई और थोड़ा सा आधा नींबू हो तो उसको भी डाल दीजिए। उसके बाद कुकर में करके कम से कम 4-6 सीटी आ जाए, अच्छे से उबल जाए। उबलने के बाद ठंडा करके हमने इसको छील लिया है। ऐसे छीलना है। ऐसे सब छील लेना है, पूरा पूरा छील लेना है। इसको छील के फिर हम एक थाली में रखेंगे। छीलने के बाद हम फिर हमने इसको भरता बना लिया है, फोड़ लिया है। ऐसे को महीन फोड़ लेना है इसको। फिर इसमें आधा नींबू काट के ऊपर से मिला लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत अगर कब कहने लगे काटे ना गला। और इसकी सब्जी पाइल्स में भी बहुत फ़ायदा करती है। पाइल्स वाले मरीज अगर इसको खाए तो पाइल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, एकदम से सही हो जाता है। इसलिए इसकी सब्जी बहुत फ़ायदा कर इसकी कहीं कहीं इसको जो है सूरन भी कहते हैं। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन भी होता है, क्योंकि इसमें खाद वगैरह नहीं पड़ता है, अंग्रेजी खाद जो आजकल चलती है केमिकल, इसलिए बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए पाइल्स में इसकी सब्जी ज़रूर खाएँ। अब एक कढ़ाही लेंगे, उसमें प्याज कटा हुआ बारीक डालेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक मिर्चा डालेंगे उसमें काट के। अब इसको लाल होने तक भून लेंगे। अभी मेरा अच्छा सा लाल हो गया है, थोड़ा सा कसर रह गया है। अभी देखिए और डार्क हो गया, डार्क ब्राउन एकदम हो गया। अबे तड़का लाल हो अब गया इसमें है, जो भरता बना के रखे कान उसको हम छौंक देंगे। नमक इसमें पहले से बड़ा ही था, अगर कम होगा थोड़ा सा बाद में डाल देंगे। इसको मिला इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए इसकी भरता चोखा तैयार हो गया। इसको सब्जी भी कह सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि आपके यहाँ बनता है कि नहीं बनता है। इसकी सब्जी आप लोग ज़रूर खाइए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो भी लोग देखें और हम कुछ आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ पाएँ। नमस्ते।